ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और विसारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। है पीछे आरडीसी वाला पता नहीं। सामने देखो बेटा, सामने सामने देखो, देख लिए सामने। के लिए प्रशासन ने यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति यद्यपि पूरे बरसात भर प्रदेश के अंदर कहीं भी बाढ़ की समस्या नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने समय में थे बाढ़ बचाव के सारे उपाय करने अंतिम क्षणों में राजस्थान में चंबल में चंबल नदी पर और मध्य प्रदेश में बेतवा और केन से भारी मात्रा में जलराशि छोड़े जाने के कारण यमुना जी में काफ़ी बड़ी मात्रा में जल आया है। उसके कारण प्रयागराज उत्तर में इधर आगे हम जाते हैं तो इटावा भी है, हमीरपुर के कुछ क्षेत्र हैं, कोई जो है यथा औरंगिया का कुछ क्षेत्र है, ठीक है ना, और इधर फिर वाराणसी गाजीपुर बलिया निचले इलाकों में पानी घुसा, काफी बड़ी आबादी प्रदेश के अंदर, लगभग मेरा अनुमान है कि 1 लाख तक की आबादी सभी प्रभावित क्षेत्रों में नौकाएं लगाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, सुरक्षा के दृष्टि से निरंतर पेट्रोलिंग करने, जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है उनके लिए शुद्ध भोजन और पेयजल की व्यवस्था के साथ ही अन्य पीड़ित परिवारों को भी पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, लाई और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। दवा आदि की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जनहानि या किसी प्रकार की धनहानि पर 24 घंटे के अंदर राहत
सामग्री और मुआवजा की राशि पीड़ित परिवारों तक पहुंचना चाहिए, स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मैं इसीलिए प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर के जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए स्वयं निकला हूँ। मैं यहाँ पे पीड़ितों से मुलाकात किया, मुस्लिमों को राहत सामग्री वितरित की गई है और मुझे लगता है कि आज सायंकाल से जलस्तर में गिरावट आनी प्रारंभ होगी और एक दो दिन के अंदर काफ़ी राहत मिलेगी। मुझे विश्वास है कि जो ये अंतिम समय में पिछले इलाकों में पानी भरा है, दो तीन दिन के अंदर लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी।